इधर इधर देख इधर देख इधर देख खान साहब इधर देख सर मसला यह है डियाफुल साहब तो हमारे आते रहते हैं हर वक्त हमारी पंचायत में यहाँ ये नर्सरी है यहाँ ये प्लांटेशन है जो कुछ है डियाफुल साहब आते रहते हैं बीच बीच में से ये तो महीने में तीन चार पांच चक्कर लगाते रहते हैं। चीफ कंसर्वेटर साहब आज आए हैं इसीलिए आए हैं कि उन्होंने ये चेक करना है जगह जगह कहाँ हमारी नर्सरी है कहाँ हमारा प्लांटेशन है क्या क्या कैसा चल रहा है। तो ये जो यहाँ इन्होंने ये लगाया है काम जो लगाया है इसमें बहुत लोगों को फायदा हुआ यहाँ के लोग एडजस्ट हुए यहाँ के लोगों ने काम किया और यहाँ जो आज इन्होंने ये लोगों को फ्री ऑफ कास्ट में ये दी इसे भी बहुत बड़ा फायदा हुआ लोगों को। ये अपने घरों में उगाएंगे ये चीज़ें जो मिलती नहीं जो डोकों में धारों पर मिलती हैं वो आज उनको घर में मिलेंगी इससे लोगों को बहुत फायदा होगा और लोग अवेयरनेस हो जाएंगे और बहुत इससे फायदा लोगों को हो। गुरी नाला विजिट रखा था मड़वा फॉरेस्ट डिविजन में इसका हमारा एक पर्पज था यहाँ पे हमारी एक बहुत अच्छी नर्सरी है इस नर्सरी को चेक करना था हमने यहाँ पे हमारी जो सीडलिंग प्रोडक्शन है जो प्लांट्स रेज करते हैं वो हमने चेक करना था क्योंकि आज डिपार्टमेंट का फोकस है जेके ग्रीन ड्राइव जिसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी नर्सरी में जो प्लांट्स की प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी पे और क्वांटिटी दोनों पे ध्यान देना कि अच्छा जितना अच्छा प्लांट इस हमारी नर्सरियों से निकल के फील्ड में जाएगा उतना जल्दी हमारी जो ग्रीनिंग है वो बेटर होगी उतना फास्ट हम ग्रीनिंग कर पाएंगे जम्मू कश्मीर में। दूसरा हमारा एक मकसद था जो इस साल का प्रोग्राम चल रहा है थ्रू इंडिया और जम्मू कश्मीर के सभी हिस्सों में आज़ादी का अमृत महोत्सव जो एक मोन्यूमेंटल अचीवमेंट 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें जो फंक्शंस चल रहे हैं उसमें हमारी आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रोग्राम था कि आयुष आपके द्वार जिसके अंडर हम मेडिसिनल प्लांट जो है लोकल लोगों को दे रहे हैं उनको एज अ फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं जिसमें कि लोग उससे जो है उसे देख के अवेयर भी होंगे क्योंकि लोकल लोग हैं उन प्लांट्स को यूज़ भी करते हैं तो उनके काम आएंगे। और मेडिसिनल प्लांट क्योंकि मड़वा फॉरेस्ट डिवीज़न जो है ये जाना जाता है हमारे जम्मू कश्मीर में मेडिसिनल प्लांट वेल्थ के लिए यहाँ पर बहुत अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट ग्रो करते हैं नेचुरली और हमारे जो है यहाँ का लोकल जो है वो उसको ट्रेडिशनली यूज़ भी करते हैं जो उनका राइट भी है अपने हक है उनका कि वो जंगल से जो है अपने पर्सनल यूज के लिए जो प्लांट्स लें तो हमने उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पे हमारे हाजी साहब